बच्चों, मैं दीपा वर्मा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों, आपने अभी 2 मार्क्स 3 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन के पूरी वीडियोस देख चुके हैं ना, और आपने उसमें से तैयारी कर ली। अभी क्या है, अब हम बात करने वाले 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आने वाले भाई, 4, मतलब क्या है 16 मार्क्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, 4 मार्क्स के कितने प्रश्न आएंगे आपके, 4 क्वेश्चन, मतलब क्या है 16 मार्क्स। और किसको कितने शब्दों में लिखना होगा, 75 शब्दों में, मतलब आपको क्या है 8 से 9 लाइन, ज्यादा नहीं। 75 शब्द मतलब कितने होते हैं आपके, 8 लाइन, तो आपको 8 से 9, और ज्यादा हुआ तो 10, इससे ज्यादा नहीं जाना है। और फिर से बोल रही हूँ, 4 नंबर के हैं, मतलब आपको 4 पॉइंट लिखना है मेन। ठीक है, आपको खुद पूछेगा 4 कारण बताओ, ठीक है 4 अंतर बताओ, ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखते जाना है। ठीक, और हमेशा याद करना कैसे करना है भैया, 3 घंटे हैं, है ना, इसको 3 5 पेज में बांटना था आपको। पहला 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, इसको भी आधा घंटा। ठीक, 1 घंटे में पहले क्या है आपको 1 मार्क्स के, इसको आधे घंटे में हो जाना चाहिए, और 2 मार्क्स का आधे घंटे में। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाओ, 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का पूरा आधे घंटे में क्या है 6 मार्क्स का करना है। ठीक, 2 क्वेश्चन लिखने हैं तो आधे घंटे बहुत है, फिर बचे हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे करना है। ठीक है, या हो सकता है आपका इधर से जल्दी जल्दी हो जाए, तो ये कोशिश करना 2 घंटे में आपका 80% प्रश्न सॉल्व हो जाना चाहिए। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको सफिशियंट टाइम बचा कर रखना है, मतलब 2 प्रश्न कितने हैं भैया 6 मार्क्स के। ठीक है, इसको आपको 150 शब्दों में करीब लिखना होगा, तो इसके लिए आपको मतलब नहीं मैं आधा घंटा बचा के रखना है। ठीक, तो ये तैयारी आपको अपने टाइम अकॉर्डिंग, और टाइम को हर थोड़े देर में, एकदम ही पूरा टाइम को नहीं देखना है, लेकिन आपको टाइम को ध्यान देते हुए चलना है। ठीक, चलो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम शुरू कर लेते हैं भाई। संसाधन होते नहीं बनाए जाते, ये आपके पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपको पहले क्या बताना है, संसाधन की परिभाषा देना होगा, मनुष्य संबंध बताना होगा, उसकी उपयोगिता उदाहरण कि भाई संसाधन है, जैसे लोहा है, तो लोहे को डायरेक्ट नहीं उपयोग करते, उसे क्या है हम छड़ बनाते हैं घर बनाने के लिए, मशीन बनाते हैं उत्पादन के लिए, तो इस प्रकार के संसाधनों का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो क्या लिखेंगे आप, मनुष्य प्रकृति को सोच समझकर अपनी जरूरत के अनुसार अनुरूप पैदा कर बदलता है, वह प्रकृति से प्राप्त चीजों का उपयोग करके अपनी पसंद की चीजों का निर्माण करता है, उत्पादन करता है, इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन चीजों का उपयोग करता है उसी हम क्या कहते हैं संसाधन, जैसे पत्थरों से औजार बनाना, कोयले से उत्पादन करना। ठीक है, तो यही क्या है, हम संसाधन होते नहीं है, संसाधन को बनाते हैं, तो वो जो भी चीजें जिसका हम उपयोग अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं वही क्या है संसाधन। ठीक, तो जिस प्रकार पत्थरों से औजार बनाकर, कोयले से ऊर्जा उत्पादन कर हम अपने उपयोग के लिए करते हैं, उसी प्रकार क्या है अन्य संसाधनों का भी हम उपयोग करते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं है, इन्हें क्या है बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको, इस आंसर को क्या है अपने आपको अपने सोच में लिखना होगा, लेकिन संसाधन की परिभाषा समझ लो कैसे चीजों को हम करते हैं, जैसे क्या है ऊर्जा, कोयले से ऊर्जा उत्पादन करना, लोहे से हम छड़ बनाते हैं, या मशीन बनाना, मशीन बनेगा तब क्या अन्य चीजें बनेंगी, तो इस प्रकार क्या आपको इंटरकनेक्ट करके क्या है उसके आंसर्स लिखने होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन में क्या अंतर है, क्या अंतर है भैया पढ़ो। नवीनीकरण संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीनीकृत होते रहते हैं, अनवीनीकरण संसाधन वे हैं जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और उनका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं लाया जा सकते। ठीक है, इनके दोहन पूरा किया जा सकता है, इनका दोहन पूरा नहीं किया जा सकता, ये असीमित है, ये सीमित है, इसके उदाहरण दे दो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा। ठीक है, इसमें लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल, इन सब के। ठीक है, तो इसका क्या है आपको 4 नंबर का है, मतलब 4 अंतर से 4 से 5, मतलब मैक्सिमम 5 अंतर तो आपको लिखना ही होगी, तब जाके क्या है आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक, चलो आगे अगले प्रश्न पे आ जाओ, जल संसाधन पर कौन कौन से संसाधन निर्भर है भैया, कौन कौन से संसाधन निर्भर भाई, जल निकायों में झीलें, नदियां, महासागर, जलभृत, जलाशय और भूजल शामिल है। जल संसाधन जल के प्राकृतिक संसाधन है जो संभावित रूप से उपयोगी हैं। तो क्या उपयोग करते हैं भाई हम पीने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, जल का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं विभिन्न रूपों में, चाहे वो नदियों से हो या किसी भी फिल्ट्रेशन प्लांट के द्वारा जो पीने का जल है वो हमारे घरों तक पहुँचता है। ठीक, उद्योगों में विभिन्न कार्यों और विभिन्न उसके चरणों पे जल का उपयोग किया जाता है, यह जल नदियों के पानी से, चाहे डैम से, या किसी भी प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, उसके बाद क्या है इसको हम उपयोग करके फिल्ट्रेशन प्लांट के द्वारा उपयोग करते हैं। ठीक, विद्युत उत्पादन में कई जगहों पर डैम में या विद्युत डैम के में जल का संरक्षण करके हम क्या करते हैं विद्युत उत्पादन करते हैं,
सिंचाई के लिए हमारे भारत में संपूर्ण जो कृषि है वो क्या है, चाहे कहीं भी हो कृषि करना है, मतलब क्या है वो सिंचाई, सिंचाई सिंचाई क्या है, जल का ही करोगे तो वही क्या है आपको इसके बारे में बताना होगा मत्स्य पालन में, ठीक है। मतलब मत्स्य पालन करने के लिए अलग अलग जगह क्या है, हम डैम बनाते हैं, छोटे तालाब बनाते हैं, तो वही क्या है जल का उपयोग। तो आपको ये जो 5 पॉइंट बताई हूँ इसके क्या है दो दो तीन तीन लाइन में लिखना है, या आपको 4 पॉइंट के बारे में ही क्या कर दो, दो दो लाइन लिख दो, तो आपका क्या है आंसर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे प्रश्न पे आ जाओ, भूमि प्रबंधन के लिए कौन कौन से तरीके अप्लाई जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है मैंने पॉइंट बताया है, इसका आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो क्या क्या है भाई, नगर गांव का नियोजित विकास कर, बंजर भूमि का उपयोग कर, पड़ती भूमि का उपयोग कर, वन संरक्षण व वन रोपण कर, मृदा संरक्षण का रोकथाम कर, घर के आसपास की भूमि का उपयोग कर। तो ये पॉइंट्स आपको क्या है इसके दो दो लाइन हर के बारे में बताना होगा, और चार के बारे में आप अगर अच्छे से लिख दो तो आपको कंप्लीट हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, पन बिजली और ताप बिजली, इसमें भी क्या है आपको 4 से 5 अंतर लिखने होंगे, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों क्या है भाई वो बता दो। तो पन बिजली क्या है भाई, जल विद्युत से एक बड़े जगह पर डैम बनाकर बारिश के पानी को संग्रहण किया जाता है, संग्रहित पानी को ऊपर से ऊंचाई से टरबाइन से गिराया जाता है जिसके कारण टरबाइन घूमता है और बिजली का उत्पादन होता है, ये क्या है पन बिजली, ठीक, इस पन बिजली कहते हैं। ताप विद्युत में कोयले जलाकर पानी को भाप से बदला जाता है, ये क्या होता है ताप बिजली, ठीक है। पन बिजली का में पानी के उपयोग किया जाता है, ताप में कोयले का उपयोग किया जाता है। जल क्या है नवीनीकृत संसाधन है, इसे बार बार उपयोग किया जा सकता है। कोयला क्या है अनवीनीकृत संसाधन है, इससे क्या है पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। ताप बिजली से क्या है पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा होता है। तो इस प्रकार क्या है आपको ये आंसर्स लिखने होंगे, आपको कम से कम 3 से 4 क्या है अंतर इसमें बताने होंगे बच्चों, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ, उत्खनन में कौन कौन से समस्याएं उत्पन्न है, तो इसमें क्या है आपको 4 से 5 बतानी होगी, वो भी दो दो लाइन में, ज्यादा नहीं लिखना है, लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं लिखना है। सामने वाला कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कितना ज्यादा लिखते हो, कितना सही लिखते हो, कितनी चीजें बता रहे हो उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, खदानों के इर्द गिर्द हवा में धूल गब्बार उड़ते दिख जा सकते हैं जिसके कारण वहां काम करने वाले लोगों के फेफड़े में बीमारी हो सकती है। ठेकेधारक खरीजों के उत्खनन के बाद खदानों भूमि को ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे जन धन पशु की धन की हानि होती है। भाई अगर गांव के पास आसपास खुदाई हुआ है और उसको ऐसे खुला छोड़ दिए तो हो सकता है एक आध कोई गाय जाके वहां पे गिर जाए, कोई आदमी गिर जाए, तो उससे क्या होता है उसको हानि तो होगी ना, तो उसी चीजों को क्या आपको बताना होगा। खनन के कारण उस क्षेत्र की भूजल संरचना में बदलाव आता है, भाई पानी अगर वहां से वर्षा हो रही है तो पानी के द्वारा क्या वो खनिज है जो भी मिट्टी कंकड़ है वो बह के क्या है आपके घरों तक आएगा, अंडर वाटर जाएगा, उससे क्या जो भूजल है वो खराब होगा। खनन से खनिजों निकालने के बाद बचे हुए मलबे नदी की घाटियों में जमा कर दिए जाते हैं जिससे क्या होता है नदी के ऐसे पूरा जमा कर दिए तो नदी का मार्ग क्या अवरुद्ध होगा जिससे क्या कई स्थानों पे बाढ़ आता है, ठीक है। तेजी से बढ़ते नगरीकरण के कारण पिछले कुछ सालों में बालू पत्थर की मांग तेजी से बढ़ रही है, नदी से रेत दोहन, नदी की धारा में बदलाव, तटों पर कटाव ज्यादा होने लगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपको 4 से 5 अंतर सॉरी क्या है कारण बताने होंगे, ठीक है, समस्या बतानी होगी। ये आपके बुक में पूरी दी हुई है, उसी को 3 अच्छे से पढ़ लो और एक बार लिखने की कोशिश कर लो, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। आगे आ जाओ, सरकार की नई औद्योगिक नीति में प्रमुखता कौन कौन सी नीति अपनाई गई है, तो कौन सी भाई कब अपनाया गया था भाई 1991 में, क्या क्या था उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक। उद्योग की स्थापना सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है, उद्योगपति ऐसे देशों में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जहां शासन नीतियां लचीली हो, जहां शासन अर्थव्यवस्था को हस्तक्षेप कम से कम करे और काम कम करे, जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क बिजली यातायात व्यवस्थित हो, तो यही क्या है औद्योगिक नीति होती है। तो औद्योगिक नीति में क्या क्या सरकार ने अपनाए थे भाई, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तो इसके बारे में क्या है आपको वहां पे बताना होगा, ठीक। ये चीजें बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो, कई चैप्टर से पढ़े हो, तो इसको मैं फिर से नहीं बता रही हूँ, क्या है आपको इसके दो दो लाइन तो बताते। उदारीकरण क्या है, नियमों में ढीलाकरण, निजीकरण क्या है जो सरकारी प्रक्रम है उसको निजी हाथों में दे देना, वैश्वीकरण का क्या है मतलब हर चीज का आयात निर्यात को खुला छूट दे देना, यही क्या होता है वैश्वीकरण, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में आपको वहां पे लिखना होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है, इसके क्या कारण है, क्या कारण है भाई, फिर से बता रही हूँ उसके पॉइंट्स बता रही हूँ उसको क्या है आपको एक एक लाइन में लिखो, या इसमें से अगर आप 8 से 9 पॉइंट लिख दो लाइन से तो भी आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या है भाई, सामाजिक जागरूकता का अभाव, अंधविश्वास रूढ़िवादिता का होना, गरीबी का कारण, नजदीक में शिक्षा केंद्र ना होना, सह शिक्षा की अरुचि, घरेलू जीवन की बाध्यता, वैज्ञानिक सोच की कमी। तो आपको क्या है ऐसे और पॉइंट्स लिखने होंगे, या जो पॉइंट्स लिख रहे हो उसी को क्या है और अच्छे से एक दो लाइन में डिफाइन कर दो, तो इससे क्या होगा आपके आंसर्स कंप्लीट होंगे। 4 मार्क्स का मतलब 75 शब्द, मतलब क्या है 8 से 10 लाइन लिखने मेरे बच्चों, है ना, तो इसलिए बोलूँ इतना लिखोगे
ज्यादा है कि सामाजिक जागरूकता की कमी, तो इसके बारे में दो लाइन लिख दो। अंधविश्वास रूढ़िवादिता के कारण क्या है, लोग महिलाओं को बाहर जाने नहीं देना चाहते। गरीबी के कारण क्या है, लड़के लोगों की सोच होती है कि वो केवल लड़कों को पढ़ा दें क्योंकि वही आय का साधन हो गए। लड़कियों को क्या खाना ही तो बनाना है, तो उनकी पढ़ाई में क्यों हम खर्चा करें। नजदीकी क्षेत्र में शिक्षा का केंद्र कम होना, मतलब स्कूल कम होंगे तो लोग लड़कियों को ज़्यादा दूर तक भेजते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा दूर जाने पर हो सकता है कुछ खतरा हो जाए, या आजकल सामाजिक तत्व ऐसे हैं कि कुछ गलत काम होते हैं। इस कारण क्या है, लोगों लड़कियों की शिक्षा को कम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यही क्या क्या है, आपको 4-5 कारणों को डिफाइन करना होगा। ठीक, चलो आगे आ जाओ। भारत में लिंगानुपात आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हो सकते हैं बच्चों देखो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ, देख लेना। ठीक है, जैसे ये क्या है, 1900, आप अपने बुक में ये क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, तो समझ आ जाएगा, बुक खोल लेना। ठीक, ये क्वेश्चन देखना। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा 1972 है, कब है ये, 1901 में। ठीक, फिर आखिरी में क्या है, ये 2011 है, जो क्या है, 1940। ठीक, तो प्रश्न देखो क्या है भाई, सबसे अधिक और सबसे कम लिंगानुपात किस दशक में रहा। तो बुक में देखो सबसे अधिक कहाँ से दिख रहा है भाई, ग्राफ को तो समझ आ रहा है ना, ये ऐसा बना है। ठीक, तो सबसे अधिक कब दिख रहा है भाई, 1901 में, और सबसे कम कौन सा दिख रहा है भाई, यहाँ पे 1930-1927, तो कब से, 1991 में। ठीक, तो भैया सबसे अधिक कब होगा, 1901 में, और सबसे कम क्या है, 1991 में। ठीक, ये हो गया। अगला प्रश्न, किस दशक के बाद लिंगानुपात निरंतर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ठीक, अब देखो ये ऐसे गिर रहा है, फिर ऐसे गिरा, फिर यहाँ से थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो कब से भाई, इधर से तो ऐसे कम होता आया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर पूरा लगातार कम हुआ, फिर यहाँ से क्या बढ़ा, तो कब से बढ़ रहा है भाई, 1991 से। ठीक, लिंगानुपात बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, शिक्षा दर में शिक्षा के दर में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि, रूढ़िवादिता का कम होना, अंधविश्वास का कम होना, शिक्षा के अच्छे केंद्र खुलना, लोगों में बेटियों के प्रति जागरूकता आना, इन सब के कारण क्या है लिंगानुपात में कमी। आपको 3-4 ही लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने। ठीक है, अगला देखो, 2011 का लिंगानुपात लगभग किस दशक के बराबर था। ठीक है, तो 2011 में कितना लिंगानुपात भाई, 1940 के करीब क्या है, 1941, ये कब था, 1961, तो क्या होगा भाई इसका आंसर, 1961। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है, आपको आंसर लिखना है, इसमें पूरे लंबे चौड़े आंसर नहीं लिखने, एक एक आंसर लेना है। ठीक, चलो आगे आ जाओ। बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन को सहमत है। भाई चलो बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ रही है, विकास कार्यों में ज्यादा हमको घर बनाने पड़ रहे हैं, ज्यादा लोगों को खाद्यान्न पूर्ति करनी पड़ रही है, लेकिन क्या ऐसा है, वो ज्यादा जनसंख्या है तो वो ज्यादा काम भी तो करेगी, तो भाई तो उस जनसंख्या को आप देश के विकास में उपयोग भी कर सकते हो। तो हाँ, जनसंख्या बढ़ना देश के लिए बाधक हो सकता है, लेकिन अगर जनसंख्या का सही उपयोग किया जाए तो क्या है, वो देश के विकास में सहायक भी होगी। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना होगा। ठीक, तो देखो क्या आप लिखेंगे भाई, बढ़ती बढ़ती आबादी से देश के हर स्थान पर भीड़, प्रदूषण, औद्योगिक इजाफा हो रहा है, इससे देश में गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, नशाखोरी और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, वहीं इस समस्या से पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र में भूमि का विभाजन अधिक होने लग गया। अब एक घर में 2 बेटा थे, अब उस 4 बेटा हो गए, तो क्या हुआ, एक पापा के 4 हिस्से, जमीन के 4 हिस्से होंगे। बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होने लगी। ठीक है भाई, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण रोजगार की कमी होने लगी। ठीक है, ये सब तो कारण थे, लेकिन अब इसका उपयोग क्या होगा भाई, पढ़ो, लेकिन हम इस कथन से हम सहमत नहीं है। देश का आर्थिक विकास करके बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रभाव को कम किया जा सकता है, इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, कृषि क्षेत्रों में सुधार किया जाए, औद्योगिक ढांचे को उन्नत बनाकर देश के ज्यादातर लोगों को उद्योगों में लगाया जाए, संचार साधनों का, परिवहन सुविधाओं का बढ़ाकर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो इस तरह से क्या है, आपको ये एकदम डिफाइन नहीं करना कि हाँ बढ़ती जनसंख्या पूरी बाधक है, अगर उसका सही उपयोग करें तो देश के विकास में ये सहायक भी होंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्या है पूरे आंसर्स में लिखनी होगी। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। जब महिलाएं कारखानों, दफ्तरों में काम करने लगी तो परिवार और राजनीतिक उनकी भूमिका क्या क्या बदलाव आया, मतलब आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में बताना है। ठीक है, तो क्या बताओगे भाई, ये कौन से, विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, विश्व युद्ध के दौरान क्या भाई, पूरे लोग क्या थे, जो वहाँ के जनसंख्या थी, वहाँ के पुरुष थे, क्या नौजवान थे, क्या थे, वो युद्ध में जा रहे थे, हर घर के लोगों को उठा उठा के क्या किया, युद्ध में ले गए। तो अब कौन बची घर में, महिला, खाना तो चाहिए, फैक्ट्रियों में काम तो करना चाहिए, जब फैक्ट्रियों में काम होगा तभी तो चीज़ें आएंगी घर में। तो क्या हुआ, फिर महिलाएं क्या की, घर से निकली,
अब पुरुष है नहीं, अचानक से कुछ फैसले नहीं, तो फैसला कौन लिया? महिलाएं लिए। तो उस टाइम से क्या, महिलाओं का उत्थान हुआ। तो कैसे कैसे हुआ भाई? नौजवानों के युद्ध में जाने के कारण महिलाओं को कारखानों खेतों में काम करना पड़ा। वे अपने आप को अधिक स्वतंत्र और जिम्मेदार महसूस करने लगी, क्योंकि हमेशा क्या बताया जाता है कि आप तो कुछ जिम्मेदारी नहीं हो, आपको सिर्फ घर का काम करना है और आपको क्या आता है। लेकिन जब वो बाहर निकली, खेतों में काम करने जा रही, फैक्ट्रियों में काम करने, तो समझिए भैया हम स्वतंत्र हैं और हम बहुत जिम्मेदार हैं, अगर हमको कोई काम दिया जाए तो हम वो काम भी कर सकते हैं। ठीक, शांति के लिए कई जगह प्रदर्शन किए गए, वोट देने का अधिकार की मांग की गई भी। वो तब वो ये समझी कि हम भी तो देश के नागरिक हैं, तो भाई अगर देश में कुछ काम होना है, देश का कोई नेता चुनना है, तो उसे पुरुष के चुने, हम भी चुने, तो उसे क्या है, वोट देने का अधिकार भी मांगा गया। ठीक है, ब्रिटेन में 1918 के संसद चुनाव में वोट देने का अधिकार मिला, जर्मनी और रूस में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो इस तरह से क्या है, महिलाएं जब विश्व युद्ध के दौरान बाहर निकली तो ये उनके उनमें क्या है, बदलाव आए। ठीक, चलो आगे आ जाओ, वो तो मैंने क्या पॉइंट, अब इसको लिखोगे कैसे भाई? देखो, महिलाएं कारखानों दफ्तरों में काम करने लगी तो वे अपने आप को अधिक सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगी। पुरुषों के अभाव में पारिवारिक जिम्मेदारी ने उन्हें स्वतंत्र विचार करने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए उन्हें यह प्रतीत हुआ कि उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार परिवार और राजनीतिक में उनकी भूमिका में परिवर्तन हो गया। अपने अधिकारों और हितों की रक्षा को लेकर वे सचेत हुई। तो आप इस तरीके से क्या है, पूरे अच्छे तरीके से आंसर को लिखेंगे। ये मैंने क्या है, पॉइंट्स बताए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स के साथ भी क्या है, आपको इतने पॉइंट्स वहां पर डालने होंगे, तब क्या है आपके 4 मार्क्स से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक, चलो आगे आ जाओ, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो क्या था भाई, सबसे पहले था औद्योगिकरण। औद्योगिकरण कैसे भाई, कि लोग बहुत ज्यादा क्या था, उद्योग लगा रहे हैं, फैक्ट्रियों में निर्माण कर रहे हैं। तो जब वो फैक्ट्रियों में निर्माण हो रहा है तो उस चीज़ों को क्या है, आपने अपने घर में कुछ चीज़ें बनाई। ठीक है, आपकी बहन कोई नया काम शुरू कर रही है। ठीक है, तो अगर आपकी बहन केक बना रही है या कोई पॉट बना रही है, ऐसे 10 पॉट बना दी उससे, तो आप सोचोगे भाई ये पॉट को बेचा कहाँ जाए, तो क्या करोगे आप, उसके लिए अलग अलग घर ढूंढोगे, अपने दोस्तों से बात करोगे, है ना, या क्या करोगे, दूसरे जगह बाजार में जाओगे। तो जब उद्योगों में तैयार हुआ माल, तो उन देशों को उस माल को बेचना भी होगा। अपने देश में कब तक बेचेंगे, तो दूसरे देशों में बेचना होगा। तो फिर क्या करें, वो दूसरे देशों को क्या किए, अपनी वेशवाद बनाए। तो औद्योगिकरण क्या है, इसी कारण बढ़ता गया। अब उद्योगों में काम करना है, ठीक है, उद्योगों में उत्पादन करना है तो कच्चा माल भी चाहिए। ठीक, तो कच्चा माल चाहिए तो भाई अपने घर का तो यूज कर लिए, अब और भी उत्पादन करना है तो फिर क्या, वो दूसरों के घर में जाएंगे, तो फिर वो क्या, दूसरे देशों में जाएंगे। इसी कारण क्या है, औद्योगिकरण के कारण क्या है, एक प्रतिस्पर्धा बढ़ी। ठीक, ब्रिटेन का सामुद्रिक एकाधिकार, ब्रिटेन ने क्या रखा था उस टाइम, समुद्र पर एकाधिकार करना था। किसी भी देश को जाना होता था तो उसको ब्रिटेन से परमिशन लेना पड़ता था, पास लेना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। इस कारण कई देश क्या थे, उसे नाखुश थे। ठीक है, व्यापार उपनिवेशवाद पर एक नियंत्रण की स्थिति, जर्मनी इस नौसैनिक वर्चस्व को खत्म करना चाहता था, वे अपने जहाजों को बेरोटोक आने जाने देना चाहता था। कोई भी बात है, किसी रास्ते को कोई रोक देगा तो चाहेगा ना भैया, भाई रास्ता तो सबका है तो तू कैसे हो सकता है रोकने वाला, हम तो सबको जाना है। इसलिए क्या ये स्थिति पैदा हुई, जटिल अंतर्राष्ट्रीय संधियां, युद्ध होना ही है, या वो देशों के बीच क्या थी, गठबंधन बनने लग गए, जैसे त्रिराष्ट्रीय संधि, त्रिदेशीय समझौता 1902 में ब्रिटेन, रूस, फ्रांस की मदद समझौता। इसकी वजह से क्या है, लोग अपने अपने गुट बनाने लगे, और एक गुट, ये दोनों गुट में एक ने क्या लड़ाई हुई, ठीक है, तुरंत इधर से ये आ गई, इसके दोस्त इधर से आ गए, है ना, मोहल्ले वाला होता है ना कहानी, सब दोस्त एक को किसी को मारा, वो अपने दोस्त को उधर से बुला रहा है, ये दोस्त अपने से बुला रहा है, वो बना कर गए तो बोला कोई मार ही वो दिन, तो आबे भाई देख लेते, बता देते मोर दोस्त सरस ना, तो वो दिन अगर वो दिन कहीं हो गए मैं जाऊँ था तो ते आबे मैं तो लेकिन फोन करके रखूँ। तो यही चीन लोग किए, फोन करके रखे कि भैया अगर मोर घर को आए मारे बैठते मैं तो फोन करूँ ते मोर घर आबे। यही वाला क्या था, जटिल अंतर्राष्ट्रीय संध्या। ठीक है, अतिराष्ट्रवादी भावनाएं और सैन्यवाद। अतिराष्ट्रीयवादी भावनाएं मतलब क्या है, अपने देश को सर्वोच्च बताना कि मेरा देश ही सबसे है, दूसरे देशों को गिराना। ठीक है, सैन्यवाद मतलब युद्ध के लिए क्या है, बहुत ज्यादा सैनिक करते जाए, अब सेना को पैदा कर रहे हो, ठीक है, तो कभी ना कभी तो लड़ोगे, इतने लोगों को खिला पिला रहे हो, सैन्य शस्त्र बना रहे हो, तो क्या करें। इसलिए क्या है, ये सब चीजें संघर्ष का कारण बने, युद्ध का कारण बने। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई, उसके किन्हीं 3 सिद्धांतों को लिखिए। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी, सन 1920 में जेनेवा में। यह माना गया कि देशों के बीच झगड़े को शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेगी और उसे स्वास्थ्य, श्रमिकों की दशाओं, खाद्य सुरक्षा आदि विषयों पर विकास में मदद करेगी। इसलिए क्या, राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। ठीक है, उसके 3 सिद्धांत क्या थे भाई, विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त हो, मानव कल्याण, विश्व निरस्त्रीकरण हो, वार्ता करके विश्व युद्ध को रोका जा सके। तो ये सब क्या थे, सिद्धांत थे। इसीलिए क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या था, देशों के मध्य शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और पारस्परिक सामाजिकता समरसता बनाए रखने के लिए
में क्या किया गया था, विश्व राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, ठीक। तो आपको इस तरह से क्या है इसके आंसर लिखने होंगे। चलो आगे आ जाओ, वर्साई की संधि कब किन राज्यों के मध्य हुई थी, इस संधि के प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी, तो कब हुई थी भाई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था, ठीक है, 28 जून 1919 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका द्वारा, ठीक है। इसमें क्या शर्तें थी भाई, जर्मनी और उसके सहयोगी देशों को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर हर्जाएं थोपे गए, जर्मनी से युद्ध में जीते गए सभी क्षेत्र वापस करने को कहा गया, जर्मन साम्राज्य को तोड़कर उसे पोलैंड देश में शामिल कर दिया गया, अफ्रीका में जर्मनी के उपनिवेशवाद को राष्ट्र संघ को दे दिया गया, जर्मनी का निःशस्त्रीकरण किया गया। तो इस तरीके से क्या थी, ये संधि की प्रमुख शर्तें थी। तो ये कब हुआ था भाई, तो आपको क्या बताना है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जीते हुए राष्ट्रों के द्वारा हारे हुए राष्ट्र के मध्य एक संधि की गई, जिसे वर्साई की संधि का नाम दिया गया, और यह संधि इस संधि 28 जून 1919 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे विजित राष्ट्रों ने की। इस संधि में जर्मनी को पूरे युद्ध का क्या जिम्मेदार मानते हुए उस पर विभिन्न प्रकार की संधियां थोपी गई, विभिन्न प्रकार की शर्तें थोपी गई, जिन शर्तों में प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। इस तरीके से क्या है, आपको पूरे आंसर को लिखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि चार पॉइंट लिखना, आपको पूरे पहले रूपरेखा बनानी होगी। 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन क्या है, उसमें आपको रूपरेखा बनानी होती है। तो रूपरेखा में आप क्या बताएंगे भाई, कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, सभी इसमें कुछ राष्ट्र जीते तो कुछ राष्ट्र हारे, तो क्या जीते हुए राष्ट्र क्या करेंगे, हारे हुए राष्ट्रों से बदला लेंगे। तो बदला लेने के लिए क्या किया, उन्होंने विभिन्न संधियां थोपी। इसी संधियों के तहत एक वर्साई की संधि थी, जो कब हुआ था, 28 जून 1919 को जर्मनी से किसने किया था, विजित राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने किया, और विभिन्न प्रकार की उसमें शर्तें थोपी, ठीक है। आपको इतनी चीजें वहां पे लिखनी होगी। चलो आगे आ जाओ, संधि के परिणाम क्या हुए, लोकतंत्र और न्याय पर आधारित ना होकर ये क्या विजय राज्यों द्वारा थोपी गई संधि थी, जर्मनी का हाश हुआ और अगले युद्ध के लिए परिस्थितियां खुद भी खुद निर्माण हो गई। कैसे, आप किसी एक ही राष्ट्र को इतना जिम्मेदार ठहराओगे, इतना उसके हार करोगे, आर्थिक हानि हुई है लेकिन उसके और उसको क्षति पहुंचाओगे, तो वो एक ना एक दिन तो आपसे बदला लेगा, और वो बदला लेगा तो उसकी तैयारियां कई वर्षों तक करेगा, तो अन्य देशों से जुड़ेगा, मतलब उनको भी शामिल करेगा। तो ये क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां खुद ब खुद बन गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रूसी शांति घोषणा और विल्सन के 14 बिंदुओं के बीच क्या समानताएं और अंतर थी, रूसी क्रांति सेना और विल्सन के रूस की क्रांतिकारी सरकार ने युद्ध से बिना शर्त हटते हुए लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण शांति की बात कही, 14 बिंदु क्या थे, अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन द्वारा, तो दोनों में समानताएं क्या थी, गुप्त संधियों का विरोध किया, हारे हुए राष्ट्रों पर युद्ध का हर्जाना न लिया जाए की मांग की, लोकतांत्रिक सरकारों के गठन पर जोर दिया, खुला और बेरोटक व्यापार की बात कही, समुद्री यातायात पर जोर दिया, निःशस्त्रीकरण पर बात कही और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की मांग कही, ये दोनों इसमें समानताएं थी, ठीक है। असमानताएं क्या थी, लोकतंत्र की स्थापना रूस में हुई, रूस में लोकप्रिय सरकार बनी, युद्ध के लिए जुर्माना नहीं लिया गया, जर्मनी को तबाह करना, ब्रिटेन में से व्यापार चालू रहे, क्रांतिकारी सरकारों का समर्थन, ये सब क्या थी, इन दोनों में अंतर थे, ठीक। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ, फांसीवाद के 4 लक्षण दीजिए। तो फांसीवाद पहले क्या है, आपको फांसीवाद बता देना, फांसीवाद कहाँ था भाई, जर्मनी में था, ठीक है। फांसीवाद क्या था भाई कि वहाँ एक विचारधारा थी जो क्या थी, एक लकड़ी के गट्ठे को एकता का प्रदर्शित करती थी, उसी से क्या आया था, फांसीवाद आया था। फांसीवाद के मुख्य कौन लाया था भाई, मुसोलिनी लाया था, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें 2 लाइनें बतानी होगी, उसके बाद क्या है, इसके आप 4 लक्षण बताएंगे। तो क्या बताओगे भाई, वे अति राष्ट्रवादी थे, यह जताते कि राष्ट्र हित ही एकमात्र सर्वोपरि हित है, और राष्ट्र को आमतौर पर देश के बहुसंख्यक समुदाय के बराबर मान लिया जाना चाहिए, मतलब अगर किसी राष्ट्र में एक प्रकार का समुदाय सबसे ज्यादा है तो उसे पूरे राष्ट्र का क्या है, धर्म मान लेना चाहिए, ठीक। वे राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार के द्वंद्व या संघर्ष जैसे वर्ग संघर्ष, राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा आदि को खत्म करना चाहते थे, मानते थे कि एक ही आदमी काम करे, एक ही आदमी नेता बने और बाकी सब उसका पालन करे, ठीक। वे हिंसा में और बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दलों को, संगठनों को आदि को ध्वस्त करने में मानते थे, वो ये मानते थे कि एक नेता एक दल और अन्य दलों को होना ही चाहिए, तो वो उसको दबाएंगे कैसे, हिंसा द्वारा, ठीक है। वे लोकतंत्र विरोधी थे, फांसीवाद यह मानते थे कि लोकतंत्र, चुनाव, कानूनी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता, अधिकार राष्ट्र की समस्याओं में हल करने में बाधा है, और एक व्यक्ति एक पार्टी का शासन और तानाशाही राष्ट्र में आवश्यक है, मतलब वो मानते थे कि चुनाव नहीं होना चाहिए, ये सब फिजूल खर्ची है, वो सिर्फ मानते थे कि एक नेता खड़े हो जाए और वो पूरे देश को चलाए। तो यही क्या थी, फांसीवाद के 4 प्रमुख लक्षण थे। आपकी बुक में और भी लक्षण है, आप चाहे तो वो 3 और याद कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इटली ने मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण बताइए, ठीक है।
सॉरी, मैंने उसने पिछले क्वेश्चन में जर्मनी कहा था, वो क्या था, इटली में फासीवाद था, ठीक है। तो भाई जर्मन मुसोलिनी के उत्कर्ष के चार कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि बंटवारे में इटली को कुछ भी नहीं मिला था जबकि वह विजय था। विश्व युद्ध के बाद इटली को आर्थिक परेशानी के समय मुसोलिनी ने आर्थिक सुधारों का आश्वासन दिया। सरकार की निष्क्रियता के कारण इटली में अराजकता जैसी स्थिति बन गई थी। मुसोलिनी का प्रभावी व्यक्तित्व, उसकी घोषणाओं का इटली के वासियों पर प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध होते ही जीता तो इटली भी था लेकिन उसको कुछ नहीं मिला, तो लोगों को बहुत ज़्यादा वो लगा कि भाई हम बुरा लगा कि हम तो जीते हैं लेकिन हमको कुछ मिलना चाहिए। उसी बीच में क्या आया, मुसोलिनी आया, तो उसने बोला कि हम जीते हैं, हमको कुछ नहीं मिला, तो मैं आपको सब दिलाऊंगा, हम आप जर्मनी के लिए, इटली के लिए लड़ाई करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जब कोई आप बहुत ज़्यादा बुरे स्थिति में हो, है ना, और आपको और लोग क्षति पहुँचा रहे, और उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा आए जो आपको एक नई राह दिखाए, है ना, कि भाई हारे हैं तो कुछ नहीं हुआ, हम फिर से खड़े होंगे, हम फिर से लड़ेंगे, हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे, तो सब उसकी बात सुनेंगे। तो यही बात मुसोलिनी ने उस समय इटली में आके की, इसलिए क्या हुआ, मुसोलिनी में इटली में मुसोलिनी का उत्कर्ष हुआ। ठीक, चलो आगे आ जाओ। अगर आपको इसको अच्छे से लिखना है आंसर तो कैसे लिखोगे भाई, देखो, पेरिस शांति सम्मेलन, आर्थिक असंतोष। पेरिस शांति सम्मेलन क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था, वह विजयी था, परंतु पेरिस शांति सम्मेलन में उसकी उपेक्षा की गई, उसे युद्ध में बंटवारे में नाम मात्र का क्षेत्र मिला, इससे इटली वासियों के सरकार के प्रति अत्यंत आक्रोश पैदा हुआ। ठीक, दूसरा क्या था, आर्थिक असंतोष, प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा इनको क्षति हुई थी जिसके कारण क्या थे, लोग चाहते थे कि इनका आर्थिक जो भी क्षति हुई है उसे हम उबर सकें। प्रथम विश्व युद्ध में इटली में लगभग 12 अरब डॉलर खर्च हुए थे। युद्ध के बाद व्यवस्था कमजोर हो गई, महंगाई बढ़ गई, भुखमरी और बेरोजगारी छा गई। इसी समय फासिस्ट दल ने आर्थिक समस्याओं को हल करने का वादा किया जिससे जनता की क्या है, आकर्षक बढ़े। उन्होंने क्या किया, जितनी भी स्थिति थी उन्होंने क्या किया, हम सुधारेंगे, हम नए परिवर्तन लाएंगे, इसलिए क्या है, लोग फासीवाद की ओर झुके। साम्राज्यवाद का प्रभाव, मुसोलिनी का व्यक्तित्व, तत्कालीन सरकार की उदासीनता, ये सब कारण क्या थे, आपको अच्छे से लिखने होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और क्या है, इसी अगर आता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में तो क्या है, आपको ये आंसर्स को पूरे लिखने होंगे। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। फांसीवाद और लोकतांत्रिक उदारवाद में क्या क्या अंतर थे, ठीक है, आपको क्या है, लोकतांत्रिक सरकार और फांसीवाद में क्या है, आपको अंतर बताना है। ठीक है, फांसीवाद क्या था, एक दल एक नेता, लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। ठीक है, तो दोनों में अंतर देखो भाई, फांसीवाद तानाशाही, एक व्यक्ति के शासन में विश्वास करते थे, लोकतांत्रिक उदारवाद संवैधानिक शासन में विश्वास करते हैं, इसमें चुनाव का कोई महत्व नहीं होता, इसमें चुनाव द्वारा लोग चुने जाते हैं। फांसीवाद तानाशाह निरंकुश थे, वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थे, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में क्या है, जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। फांसीवाद में शासकों को बनाया हुआ कानून चलता है, लोकतांत्रिक उदारवाद में सारा कामकाज कानून के अनुरूप चलता है, नागरिकों के अधिकारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ नागरिक अधिकारों को संवैधानिक रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है, एक व्यक्ति एक दल का शासन होता है, यहाँ क्या है, बहुदलीय व्यवस्था का समर्थन होता है, ये लोकतंत्र विरोधी होती है और ये लोकतंत्र समर्थक होते हैं। तो इतने पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, 6 से 7 पॉइंट लिखना है, 4 अंतर है तो छोटे छोटे हैं, तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 की ज़्यादा नहीं, सॉरी, आपको एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट तो लिखने ही होंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें लिखोगे तब कहीं जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। आपको आपको क्या है, हिंदू कोर्ट बिल के बारे में बताना है। हिंदू कोर्ट बिल क्या था भाई, हिंदू महिलाओं के लिए लाया गया था। ठीक है, कि जो हिंदू है, हिंदू महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ सुरक्षा दी जाए। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, हिंदू कोर्ट बिल नहीं बनता तो क्या होता, हिंदू कोर्ट बिल कानूनी पारित नहीं होता तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता, हिंदू कोर्ट बिल सर्वप्रथम संविधान में किसने प्रस्तुत किया था भाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो इस तरीके से क्या है क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या है इसके आंसर क्या होगा, देखो, हिंदू समाज में महिलाओं के अधिकारों की स्थापित करने, जातिवाद को कमजोर करने तथा देश भर में महिलाओं के परिवारों संपत्ति पर संबंधित कानून को व्यवस्थित करने हेतु उद्देश्य से एक व्यापक हिंदू कोड बिल लाया गया था। ठीक है, मतलब क्या है, हिंदू महिलाओं को उनकी संपत्ति में अधिकार देने, समाज में बराबर का हिस्सेदारी देने और उनके आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए क्या था, हिंदू कोड बिल लाया गया था। ठीक, इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको तैयार करके संविधान सभा में पेश करने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके समर्थन में थे, मगर वो रूढ़िवादी हिंदुओं में इसका कड़ा विरोध किया, अतः आम चुनाव के बाद इसे उठाने का निर्णय लिया था। ठीक है, इसके कारण दुखी होकर क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दिया था, तो क्यों दिया था भाई, क्योंकि हिंदू कोड बिल को क्या कहा गया कि आम चुनाव के बाद लाया जाएगा, जिससे दुखी होकर क्या थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके संविधान से
त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। तो आपको इतनी ये चीज मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। तो अगर इसके क्या क्या क्लॉज थे, क्या क्या परिवर्तन आए, तो पढ़ो भाई क्या क्या परिवर्तन आए। अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और पुत्रियों को भी पुत्रों के बराबर हिस्सा मिलेगा। पति या पत्नी को जीवित रहते कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकता। पति पत्नी दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का अधिकार होगा। सिर्फ ये नहीं कि पुरुष तलाक मांग सकता है, महिला तलाक नहीं मांग सकती, ठीक है। अंतरजाति विवाह को कानूनी मंजूरी दी गई। किसी भी जाति के बच्चे को गोद लिया जा सकता है, इसको वैध माना गया, ठीक है। तो ये क्या थे, हिंदू कोर्ट बुल में कुछ क्लॉजेस थे जिसके द्वारा क्या है महिलाओं की स्थिति को परिवर्तन करने के लिए बात कही गई, ठीक। चलो आगे आ जाओ। पंच सिद्धांत कब और किसके साथ हुआ था? तो पंच सिद्धांत क्या था भाई, भारत का किसके साथ हुआ था भाई, चीन के साथ हुआ था। भारत ने 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया जिसे क्या कहते हैं, पंचशील के नाम से जाना जाता है, ठीक। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे या प्रमुख बिंदु क्या थे भाई, पांच बिंदु, पांच शील बना, पांच मतलब पांच, तो क्या शील बनाए गए थे, पांच एक शर्तें बनाई गई थी कि दोनों देश क्या है आपस में काम करेंगे। तो क्या क्या थी भाई, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे को अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे, बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ठीक है। तो क्या है, भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सैद्धांतिक रूप से इस नीति का पालन करने का प्रयास किया, ठीक है। तो पंचशील क्या है भाई, ये इन पांचों के बारे में आपको वहां पे लिखना होगा, और लिखना ही होगा, किसी एक को भी आप स्किप नहीं कर सकते। तो इन पांचों को क्या है अच्छे से आप लोग रट लो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला आम चुनाव करवाने के लिए सरकार को क्या क्या तैयारी करनी पड़ी? पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में, और उस समय क्या थी परिस्थिति, ऐसी थी कि बहुत ज्यादा लोग अनपढ़ थे, बहुत ज्यादा सुविधा नहीं थी, तो बहुत सारे क्या थे उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता, ठीक है। तो पहले आम चुनाव क्या था भाई, भारत के भौगोलिक विस्तार और यातायात की समस्याओं को देखते हुए यह आसान काम नहीं था, ठीक है। तो क्या क्या खास बातें थी, पहली बार वयस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था, सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक मतदान करने की व्यवस्था की गई थी, सभी सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, कुल 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए थे जिसमें 85% क्या थे निरक्षर थे। तो ये सब क्या थी चुनौतियां थी, और उसी के द्वारा क्या है पहला आम चुनाव कराया गया था, ठीक। चलो अगले प्रश्न पे आ जाए। सरकारी बजट, सरकारी बजट क्या है उससे प्रश्न आएगा, ठीक है। तो आपको सरकारी बजट के बारे में सब कुछ बताना होगा, इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं आए, ठीक है। तो क्या बताओगे भाई, सरकारी हितों को करने के लिए सरकार को पैसे एकत्र करने फिर खर्च करने की जरूरत होती है, इन कार्यों को करने के लिए जितनी धनराशि आवश्यकता होती है उसे लोगों के कर, जो सरकार जो कर वसूल करती है उसे ही हम क्या कहते हैं राजस्व, ठीक है। तो सरकार को खर्च करने के लिए राजस्व की जरूरत होती है, सरकार के राजस्व और उसके खर्च का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है बजट। तो आपको बजट के बारे में क्या है 4 मार्क्स में तैयार करके रख लो, बजट से किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको वो आंसर लिखने होंगे, ठीक। बजट में किन किन बातों का विवरण होता है, अगर आपको आंसर आए बजट क्या है और बजट में किन किन बातों का विवरण होता है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको बजट बताना होगा कि सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है बजट कहलाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में क्या क्या वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है जिसे ही क्या कहते हैं हम केंद्रीय बजट कहते हैं। आपको ये लाइन लिखोगे, उसके बाद क्या बताओगे सरकार के राजस्व और उसके खर्च का उसके खर्च का लेखा जोखा क्या कहलाता है बजट कहलाता है। अब बजट में किन बातों का विवरण होता है भाई, क्या बात का विवरण होता है भाई, सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, अलग अलग विभागों को खर्च करने के लिए कितनी राशि दी जाएगी, कौन कौन से कर लगाए जाएंगे, इनसे कुल कितना राजस्व संग्रहित होगा, साथ ही साथ किन करों की दर में परिवर्तन किया जाएगा, सरकार के खर्च अगर संग्रहित राजस्व से अधिक है तो कितनी राशि उसे उधार देनी पड़ेगी। पर चल रहा सरकार 1000 रुपए खर्च कर रही है, ठीक है, लेकिन उसकी आय 800 रुपए है, तो उसको 200 रुपए क्या है कहीं से लोन लेना होगा। तो वही बताया जाता है पूरे की बजट में कि वो कितना खर्च करेगी, किन विभागों में कितना कितना देगी, कहाँ से आय लाएगी, अगर खर्च ज्यादा है और आय कम है तो कहाँ से वो लोन लेगी, इन सब बातों का विवरण क्या है बजट में किया जाता है, ठीक। तो इसको अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी खत्म होते हैं, ठीक। हमने 2, 3, 4, 6 मार्क्स कर लिया, अब एक ही बचा है 5 मार्क्स, 5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन करने के बाद हमारा पूरा सामान्य ज्ञान तैयार हो जाएगा और आप लोगों की तैयारी 100% कंप्लीट हो जाएगी। पहले से पढ़ रहे हो तो विश्वास रखो आपने जितनी तैयारी की है और बहुत अच्छी की है, तो उससे बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो।